नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान हमारे जीवन के लिए कितना शुभकारी है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं आती हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं जिनसे पार पाने के लिए मनुष्य बहुत संघर्ष करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं तमाम समस्याओं का विज्ञान है ज्योतिष विज्ञान, जिससे कठिन से कठिन बाधा भी आसानी से दूर हो जाती है। आप जरूर सोच रहे होंगे क्या यह संभव है, अगर हाँ तो फिर कैसे। तो चलिए, इन्हीं सब सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। बिल्कुल, बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। हर रोज की तरह दर्शकों, आज भी हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है और जानेंगे कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर, और साथ ही यहाँ आचार्य जी से जानेंगे नक्षत्र बनने की पौराणिक कथाओं के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आज के राशिफल को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे पहली चार राशियों के बारे में, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, और आचार्य जी से जानेंगे इन चार आज का राशिफल। मेष राशि वालों का दिन आज सामान्य है। किसी मित्र के सहयोग से आज आपको कोई नया कार्य करने का मौका मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। छोटी बच्चियों को आज भोजन करवाएं, उनका आशीर्वाद लें। भाग्यशाली संख्या है 4। वृषभ राशि वाले, कार्य क्षेत्र में आपको आज बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आज आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटर 50% आपको सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले, सरकारी कार्यों में आज आपको सफलता प्राप्त होगी। परिवार के साथ कोई धार्मिक स्थान की यात्रा भी आज कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर आज 60% आपको सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले, आज किसी बड़े राजनेता से आपकी भेंट हो सकती है। आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की आज प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र भेंट करना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर आज 80% आपको सहयोग करेगा। तो बिल्कुल, सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है और यहाँ पर आचार्य जी कुछ प्रश्न लेना चाहेंगे। प्रिया हैं जो कि भागलपुर बिहार से हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/4/1965 और समय है 7:30। इनका सवाल अपने बच्चों को लेकर के, इनका कहना है लगातार इनके बच्चे इनसे बात नहीं करते हैं, काफ़ी समय हो गया है आपस में बातचीत नहीं हो रही है, और वो हालांकि अब्रॉड में रहते हैं लेकिन फिर भी ना कोई फ़ोन से बात होती है, कोई कांटेक्ट में नहीं है। ऐसे में ये कह रही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कोई अब आप उपचार बताएं। जी आइए हम इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो वृषभ लगन की है और साथ साथ कन्या राशि की है, और इनकी संतान से इनकी सामंजस्य नहीं बैठ रहा। एक तो बच्चे दूर रहते हैं और उसके बाद भी बातचीत नहीं करते। इनका मन इस बात से बहुत दुखी है। इनके पंचम भाव को हम देखेंगे जहाँ पर बुध की राशि उदित होती है कन्या, और बुध इस कुंडली में विराजमान हो गए हैं 11वें भाव में, शत्रु बृहस्पति की राशि में और नीच के हो गए हैं बुध। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे इनको नहीं समझ रहे, इनकी मनोस्थिति को नहीं समझ रहे, इनको पूरा मान और सम्मान नहीं दे रहे, और बुध की नीचता के कारण ये कार्य हुआ है। आपको भगवान गणेश की आराधना करनी है। हर बुधवार को मंदिर में जाकर भगवान गणेश को हरी मूंग की दाल भेंट करें, और साथ साथ हो सके तो संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, अपने घर में एक लड्डू गोपाल जी को स्थापित करें, और बच्चों से जब भी आप बात करेंगी वो दिन आप रखें सोमवार का दिन आप बात करें, उनको कॉल करने की कोशिश करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें, बहुत जल्दी आपकी समस्या ये समाप्त हो जाएगी। ये उपाय करते रहें और बात उनसे आपको सिर्फ सोमवार के दिन ही करनी है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जो भी उपचार उपाय यहाँ पर आचार्य जी ने बताए हैं उन्हें अवश्य करिएगा, जल्दी जो समस्या आपके जीवन में बनी हुई है वो समाप्त हो जाएगी। दर्शकों, आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृषभ राशियों को लेकर, और आचार्य जी से जानेंगे इन चार राशियों का आज का राशिफल।
सिंह राशि, कारोबार के लिए कोई विदेश यात्रा का योग आज आपका बन सकता है। कोई दूर की यात्रा आज आपके कार्य को बहुत बढ़ा सकती है। गायत्री मंत्र का जाप करना आज आपके लिए विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर आज 80% आपको सहयोग करेगा। कन्या राशि वाले, संपत्ति संबंधित कोई आपसी परिवार में आज विवाद उत्पन्न हो सकता है। आज नोकझोंक से बचें, कोई विवाद उत्पन्न मत होने दें। भगवान कृष्ण को मिश्री का भोग लगाएं। भाग्यशाली संख्या है 2 और भाग्य का मीटर आज 40% आपको सहयोग करेगा। तुला राशि वाले, आज आपकी लव लाइफ में बहुत तालमेल बनेगा। जो लोग डेटिंग पर जाना चाहते हैं उनके लिए दिन बहुत शुभ है। किसी गरीब महिला को पीली चने की दाल भेंट करने से दिन की शुभता और बढ़ेगी। भाग्यशाली संख्या है 9 और भाग्य का मीटर 70% आपको सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले, आज सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आज आपका धन किसी अच्छे सामाजिक कार्य पर खर्च होगा। शिव पार्वती की उपासना करना आज विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर 60% आपको सहयोग करेगा। तो यहाँ आचार्य जी ने अन्य चार राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। दर्शकों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं और ऐसे में हमने 27 नक्षत्र की सीरीज शुरू कर चुके हैं और यहाँ आचार्य जी से जानेंगे, आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि नक्षत्र बनने की जो पौराणिक कथाएँ हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सा नक्षत्र कौन सी राशि के अधीन आता है। तमाम सारी जानकारियाँ हैं आज हम आपसे लेने वाले हैं। चेल्सी जी, बहुत अच्छा आज का प्रश्न आपने किया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह होते हैं और 3 नक्षत्र एक राशि के अधिपत्य में आते हैं। 9 × 3 = 27। एक राशि को 3 नक्षत्र मिलते हैं और 9 हमारे जो ग्रह हैं उनका अधिपत्य प्रत्येक ग्रह का 3 नक्षत्रों पर होता है। तो कौन कौन से नक्षत्र का किस किस ग्रह का आधिपत्य है आज आप पहले हम आपको ये बताएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अश्विनी नक्षत्र, जो पहला नक्षत्र है। अश्विनी, मघा और मूला नक्षत्र ये केतु के अधीन आते हैं। दूसरे नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाग्नी और पूर्वा शाड़ा ये शुक्र ग्रह के अधीन आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है तो आप शुक्र ग्रह के अधीन रहेंगे, शुक्र की विशेषताएं आप में पाई जाएंगी। तीसरा हम बात करते हैं कृतिका, उत्तरा फागुनी और उत्तरा शाड़ा ये सूर्य के अधीन नक्षत्र आते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, रोहिणी, हस्त और श्रावण नक्षत्र ये चंद्रमा के अधीन आते हैं। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा ये मंगल के अधीन आते हैं। आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र ये राहु के अधीन आते हैं। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद ये गुरु के अधीन आते हैं। पुष्य नक्षत्र अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद ये शनि के अधीन आते हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र ये बुध ग्रह के अधीन आते हैं। तो आइए आज हम आपको एक कहानी भी बताते हैं, पौराणिक कथा बताते हैं कि कैसे चंद्रमा की 27 पत्नियां बनी और कैसे नक्षत्रों की उत्पत्ति हुई। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राजा दक्ष, जिनकी 27 बेटियां थीं, चंद्रमा ने सभी 27 कन्याओं से विवाह किया था। चांद का अपनी एक रानी के प्रति विशेष झुकाव था जिसका नाम था रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र इसलिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है कि सभी जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ज्योतिष के अनुसार रोहिणी को चंद्रमा का उच्च बिंदु का नक्षत्र प्राप्त है। इसी कारण चंद्रमा की अन्य 26 पत्नियों ने राजा दक्ष से शिकायत की। राजा के बार बार अनुरोध करने के बावजूद चंद्रमा ने अपना स्वभाव नहीं बदला, जिससे राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया, जिससे वह आकार में छोटा हो गया। इसके चलते चंद्रमा कमजोर हो गए और परिणाम देखकर अन्य देवताओं ने राजा से अपना श्राप वापस लेने का अनुरोध किया और उनसे वादा किया कि चंद्रमा उनकी प्रत्येक बेटी के साथ समय बिताने के लिए समान रूप से उनसे मिलने जाएंगे। क्योंकि राजा अपने श्राप को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने चंद्रमा के लिए एक उपाय बताया।
उन्होंने कहा कि आधे महीने में वो ताकतवर रहेंगे और आधे महीने में वो बलहीन रहेंगे। यही कारण है कि हमारे पास पूर्णिमा और अमावस्या होती है। चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र में समान समय के लिए अब रहते हैं। हर महीने में अपनी राशि के अनुसार वो अपनी कक्षा पूरी करते हैं। अमावस को वो क्षीण हो जाते हैं और पूर्णमासी को बली हो जाते हैं। और हर नक्षत्र पर चंद्रमा लगभग 2.25 दिन रहते हैं और 28 दिन में अपनी भौचक्र की यात्रा को पूर्ण करते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, तमाम सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने इसकी विवेचना की है, ये जो आपने कथा इतने अच्छे तरीके से बताई है, मुझे लगता है कि सभी दर्शकों को समझ में ज़रूर आया होगा। और दर्शकों, आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर, और आचार्य जी से जानेंगे इन चार राशियों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले, आज के दिन आपका कैरियर नई ऊंचाइयों को छुएगा। आज आपकी धन की कमाई बहुत अच्छी होगी। ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करने से आज सफलता व्यापार में और अधिक बढ़ जाएगी। भाग्यशाली संख्या है 8 और भाग्य का मीटर आज 80% सहयोग करेगा। मकर राशि वाले, आज आपका आत्मविश्वास आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाएगा। आज जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। संतान के प्रति भी आज अपने आप दायित्व पूरे करने जा रहे हैं। भाग्यशाली संख्या है 7 और भाग्य का मीटर आज 90% आपको सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले, आज का दिन आपको परिवार का सहयोग, मान सम्मान और समाज से प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। काफी समय से रुके हुए काम आज पूरे होंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करना दिन की शुभता को और अधिक बढ़ाएगा। भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटर 60% आपको सहयोग करेगा। मीन राशि वाले, आज आपको परिवार का, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आज कोई घर से बाहर जाने का कार्यक्रम भी आपका बन सकता है, जो कि यात्रा बहुत सुखद रहेगी। सफ़ेद चंदन का टीका आज लगाएं। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर आज 70% आपको सहयोग करेगा। यहाँ आचार्य जी ने बताया आखिरी चार राशियों के बारे में, उनका आज का राशिफल बताया। दर्शकों, वक्त हो गया बर्थडे टिप्स का, यानी कि जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए, आइए आचार्य जी से जानते हैं। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान कृष्ण को चंदन अर्पित करें। यदि ऐसा करते हैं तो पूरा वर्ष सफलताएं और खुशियां आपको प्राप्त होंगी। मारे जाने वाले टिप्स में बात करेंगे, जिनकी ब्याह शादी की सालगिरह है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिनकी भी शादी की सालगिरह है, दोनों पति पत्नी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाएं, उन्हें हरा वस्त्र भेंट कर उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे तो दोनों का प्रेम आपस में बढ़ेगा, परिवार में खुशियां आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। और आगे अवॉइड ऑफ द डे में बात करेंगे, आज के दिन कौन सी चीज का आपको प्रयोग नहीं करना है और कौन सी चीज आपको अवॉइड करनी है। अवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन हमें लौकी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है खाने में, ये हमारे लिए नेष्टकारी साबित होगी। और जाते जाते आचार्य जी से जानेंगे कुछ ऐसी टिप्स जो सभी लोगों के लिए लाभदायक साबित हो। टिप्स ऑफ द डे में आज के दिन हमें गुड़ पहले मंदिर में भगवान को अर्पित करके यथाशक्ति उसे गरीबों में बांटना है, उनका आशीर्वाद लेना है। यदि ऐसा करेंगे तो आज का दिन बहुत ही योगकारी, मंगलकारी, कल्याणकारी और लाभकारी आपका गुजरेगा। तो इसी के साथ ही दर्शकों, समय हो गया आपसे विदा लेने का। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चेल्सी जी, आपका भी। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना सहयोग करने के लिए। कल फिर बिल्कुल आपसे मुलाकात होगी, कल फिर जानेंगे आपका भविष्य और आपका राशिफल। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।